जो बहुत लंबे, बड़े और मज़बूत प्लांट्स होते हैं वो ट्रीज़ कहलाते हैं इनका जो स्टैम होता है वो बहुत थिक होता है हार्ड एंड बुडी होता है इस स्टेम को हम कहते हैं ट्रंक। दे हैव मैनी ब्रांचेज इनकी ब्रांचेज यानी कि शाखें बहुत ज़्यादा होती हैं फॉर एग्जांपल बैनियन ट्री फर ट्री मैंगो ट्री एक्सेट्रा नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट दी शर्ब्स शर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स दैन ट्रीज श्रब्स वो प्लांट्स हैं जो ट्रीज से छोटे होते हैं दे हैव हार्ड स्टेम्स इनके स्टेम्स सख्त होते हैं और थिन होते हैं थिन यानी कि पतले होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रीज़ के इनकी भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं इनकी एग्जाम्पल में रोज़ प्लांट आता है क्योंकि ये भी श्रब है और इसके अलावा श्रब ऑफ लैंटेना एंड श्रब ऑफ कॉटन भी इसकी एग्जाम्पल्स हैं श्रब्स की नाउ द थर्ड टाइप ऑफ प्लांट्स आर हर्ब्स हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स बहुत छोटे प्लांट्स हर्ब्स कहलाते हैं जिन्हें हम जड़ी बूटियाँ भी कहते हैं दे हैव ग्रीन स्टेम्स इनके स्टेम जो हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और सॉफ्ट होते हैं यानी कि नरम होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं इट्स मीन दैट वो नॉन वुडी होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हर्ब ऑफ मिंट एंड हर्ब ऑफ स्पिनिश डियर स्टूडेंट्स प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस इन मेनी वेज प्लांट्स के बहुत सारे यूजेस हैं सबसे मेन पॉइंट ये है कि हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर आर फूड क्योंकि हमारा फूड जो है वो प्लांट्स से आता है या फिर उन एनिमल्स से जो प्लांट्स ईट करते हैं इट मीनस प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स इसके अलावा प्लांट्स के बहुत सारे यूजेस हैं दे मेक एयर फ्रेश ये हवा को फ्रेश रखते हैं ताकि हमें प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें ऑल्सो वी गेट वुड सम ऑफ आर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स पेपर ऑल्सो कम्स फ्रॉम प्लांट्स प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड मोस्ट प्लान्ट्रो ऑन लैंड दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लान्ट जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लान्ट कहलाते हैं इनमें से कुछ प्लांट्स माउंटेन्स वगैरह पे ग्रो करते हैं आ, ऐसी कोल्ड प्लेस के प्लान्ट नीडल लाइक लीवस होते हैं एंड फ्लावर के बजाय इनमें कॉन्स पाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल स्प्रूस ट्री लैंड की वो प्लेसेज जहाँ क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म रहता है वहाँ के प्लांट्स एवरग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं क्योंकि ऐसे प्लांट्स कोल्ड वेदर में अपने पत्ते यानी कि अपने जो लीव्स होते हैं वो गिरा देते हैं और इनकी एग्जांपल्स में मैंगो ट्री पीपल ट्री बैनियन ट्री एंड शीशम वग़ैरह आते हैं लैंड के डेज़र्ट एरिया में जहाँ पानी बहुत कम पाया जाता है ऐसी प्लेसेस पर कैक्टस जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं क्योंकि डेज़र्ट्स वग़ैरह में रेनी सीजन बहुत कम होते हैं लाइक बारिश जब भी आ, होती है इन प्लांट्स के स्टेम उस बारिश को उस बारिश के पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसके अलावा डेजर्ट प्ला, प्लांट्स की एग्जांपल्स में मेस्कवाइट बुश आता है ऐसे प्लांट्स की रूट्स डीप डाउन होती हैं यानी कि अंडरग्राउंड से वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट्स तक पहुँचाती हैं और इस तरह ऐसे प्लांट यानी मैस्कोइड बुश एंड कैक्टस ऐसे प्लांट डेजर्ट में भी सरवाइव करते हैं और ये वहीं पर ग्रो करते हैं कुछ प्लेसेस मार्शी प्लेसेस होती हैं मार्शी यानी कि मडी जहाँ पर चिकनी मट्टी पाई जाती है और ज़मीन जो है वो हर वक्त गीली रहती है मैंग्रोव ट्रीज़ वहाँ पाए जाते हैं इनकी रूट्स ज़मीन की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर होती हैं जिनसे ये सर आ, सर्वाइव करते हैं यानी कि इन रूट्स को ब्रीथिंग रूट्स भी कहा जाता है क्योंकि ज़मीन के अंदर जो कि बहुत गीली होती है उस सॉइल की वजह से इन्हें वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता इस वजह से इनकी अपनी सराउंडिंग में आ, जो इनकी प्लांट्स की ब्रीथिंग रूट्स हैं वो अबव दी ग्राउंड होती हैं यानी कि ज़मीन की सरफेस से ऊपर होती हैं और ये इन रूट्स की वजह से ब्रीथ करते हैं और ग्रो करते हैं प्लांट्स ग्रो इन वाटर नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट इक्वेटिक प्लांट्स अ नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो इन वाटर दीज आर कोल्ड इक्वेटिक प्लांट्स बहुत सारे प्लांट्स पानी के अंदर ग्रो करते हैं पानी पर पाए जाते हैं ऐसे प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं एक्वा मीन्स वाटर एंड एकवेटिक मीन्स एग्जिस्टिंग एंड हैपनिंग इन वाटर यानी वो प्लांट्स जो हमें पानी के अंदर या पानी पर ग्रो करते हुए नजर आते हैं या पानी में सर्वाइव करते हैं इन प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है मेनी प्लांट्स ग्रो इन पोन्ड्स लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज सच प्लांट्स फाउंड इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लाट्स देयर आर थ्री काइंड ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स इक्वेटिक प्लांट्स की तीन किस्में होती हैं सम फ्लोट इन वाटर सम आर फिक्सड एंड सम लिव इन अंडर वाटर फर्स्ट आई एम एक्सप्लिंग फ्लोटिंग प्लांट्स फ्लोटिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो किसी भी सर्फेस के साथ अटैच्ड नहीं होते बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं दैट्स वाई वो हमें पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं इसलिए इन्हें फ्लोटिंग प्लांट्स कहा जाता है इनकी एग्जाम्पल में वाटर हायासिंथ एंड डकवीड ये दो प्लांट्स हैं जो इनकी एग्जाम्पल्स में आते हैं नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट फिक्स्ड प्लांट्स लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स। सच प्लांट्स आर अटैच टू द पॉन्ड्स बेड ये प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं सरफेस के साथ यानी कि पॉन्ड्स बेड के साथ अटैच होते हैं इनके स्टेम्स लॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं इनके लीव्स हमें पानी के ऊपर फ्लॉट नज़र आते हैं यानी तैरते हुए नज़र आते हैं और बहुत ब्रॉड होते हैं इन्हीं लीव्स की वजह से ऐसे प्लांट्स सर्वाइव करते हैं यानी कि सांस इन लीव्स की वजह से ले रहे होते हैं क्योंकि इन लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं पोर्स यानी छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनकी मदद से ये प्लांट्स ब्रीथिंग करते हैं और सर्वाइव करते हैं नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट अंडर वाटर प्लांट्स अंडर वाटर प्लांट्स हैव नैरो विद नो पोर्स दे ब्रीथ थ्रू द बॉडी सर्फेस वो अपनी बॉडी सर्फेस से ही सांस ले रहे होते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं और पानी के अंदर ही सर्वाइव करते हैं पोंडविड और टेप ग्रास इन प्लांट्स की एग्जाम्पल में आते हैं हमारे पास डायग्राम में टेप ग्रास की पिक्चर मौजूद है ये टेप ग्रास पानी के अंदर ही सर्वाइव करते हैं नाउ रीड दिस लेसन बाय योर सेल्फ आई होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा थैंक यू